अबे शौक बड़ी चीज है बे। देखना, एक दिन हमारा यही चाय पीने का शौक हमें प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ेगा। और बस इसी चाय के शौक के चक्कर में चले गए हम लड़की देखने। अब लड़की हमारे आमने और हम लड़की के सामने, यानी दोनों आमने सामने। और नाम था उसका गौरा। एकदम नहा धो के बैठी थी और इंट्रो में ही हमको बता दी कि हम तो भैया 556 देसी गाय के शुद्ध घी से नहाते हैं। अब हमको बदबू आ रही थी देसी गाय के गोबर की, तो हमसे तो रहा नहीं गया, बहुत तेज सरदर्द शुरू हो गया। हमने कहा कि देखिए गौरा जी, हमारी बात को ना दिल से मत लगाइएगा, लेकिन इंसान अगर हफ्ते में बस एक बार भी नहाए, लेकिन ऐसे एकदम रगड़ रगड़ के, वो जैसे बेरोजगार लोग नौकरी के लिए अपनी चप्पलें घिसते हैं ना, बस एकदम घिस घिस के नहाए, और उसके लिए एक बढ़िया सा शावर जल यूज करें, और नहाने के बाद अंत में एक बढ़िया सा परफ्यूम, तो घर जो है ना वो तबेला नहीं लगता। अरे बाप रे बाप, एकदम दिल से लगा ली भाई, भड़क गई। काली चाय पिलवाई हमको, बोलती है हमारा घर कोई तबेला थोड़ी है जो यहां दूध मिलेगा। तो हमने भी कह दिया कि जो लड़की शादी से पहले इतना भौकाल मार रही है, वो शादी के बाद तो हमारा आकाश और पाताल एक कर देगी। हम तो भैया निकले वहां से और सीधा पहुंचे अपने घर।